गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास पॉल साइंस के टॉपिक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के पार्ट वन के वीडियो के साथ मैं आया हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, उनको बड़े आप ध्यान से सुनेंगे। इसका जो पहला पॉइंट है, द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इलेक्शन। वह तंत्र जिसके द्वारा एक देश के अंदर लोग अपने रेगुलर इंटरवल में अपने लोगों को चुनते हैं, उस प्रक्रिया को चुनाव का नाम देते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब था। सेकेंड पॉइंट, इन इलेक्शन द वोटर्स कैन चूज वो विल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ईच वोट हैज एन इक्वल राइट। इलेक्शन के अंदर हर वोटर्स के पास, मतलब हर चुनाव में वोट देने वाले के पास ये राइट रहता है कि वह अपनी वोट की पावर का एक्सरसाइज करे और अपने लिए एक सही पर्सन को चुने। इन इंडिया, थर्ड पॉइंट, द जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड विधानसभा आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years एंड इलेक्शन आर हेल्ड इन द ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम। भारत में हर 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होते हैं और सभी सभा और सभी विधायकों में ये चुनाव करवाया जाता है हर 5 साल में। फोर्थ पॉइंट, समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज बाय डेथ और रिजाइनिंग ऑफ अ मेंबर, दिस इज नोन एज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन उसे कहा जाता है जब किसी भी जगह में किसी भी मंत्री या विधायक का पद या सांसद का पद खाली हो जाता है मृत्यु के दौरान या उसके पद से रेजिग्नेशन देने के दौरान। फिफ्थ पॉइंट, इन इंडिया एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज द फॉलोइड वेयर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ इलेक्शन पर्पसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज। मींस फिफ्थ पॉइंट का मतलब यह है कि हमारे भारत में इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज बटी हैं, यानी कि चुनाव के हिसाब से सभाएं जो हैं वो बटी हुई हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शन इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज, द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज आर कॉल्ड MP। फॉर विधानसभा, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आर कॉल्ड MLA। नेक्स्ट पॉइंट, ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स एंड सम इलेक्ट्रल प्रोसीजर टेक प्लेस फ्रॉम पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। हमारे भारत के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पंचायती चुनाव और म्यूनिसिपल इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसको हम लोकल गवर्निंग बॉडी का भी नाम देते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट, अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आर फॉलोड इन इंडिया। रिजर्वेशन इज ऑल्सो फॉलोड फॉर सीट इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर अदर बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हमने सीट जो है वो रिजर्व करके रखी हुई है SC ST और OBC, जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए भी, ताकि संविधान ने इन लोगों को भी एक बराबर का तर्ज दिया है, ताकि ये लोग भी संविधान के अंदर देश की राजनीति के अंदर एक बराबर रूप से भागीदारी करें और बराबर रूप से सामने आएँ। थैंक यू।